बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बागपत को लॉकडाउन में नहीं मिलेगी कोई राहत। 20 अप्रैल के बाद भी बागपत में जारी रहेगा लॉकडाउन। कोरोना कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने बताया, जनपद बागपत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 10 से अधिक है, जिसके कारण जगपत में लॉकडाउन की स्थिति यथावत रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। लॉकडाउन के दौरान पूर्व में जो स्थिति चल रही है, वैसी ही स्थिति आगे भी निरंतर रूप से चलती रहेगी और अग्रिम आदेशों तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बागपत से हमारे सहयोगी अमित सैनी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित, जिस प्रकार प्रदेश के कुछ जनपदों को 20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट मिलने वाली है, क्या बागपत भी इसमें शामिल होगा? क्या है बागपत से पूरी जानकारी? जी अरुण जी, आपको बता दें, शासन द्वारा केवल उन्हीं जनपदों में छूट दी जा रही है जहां पर 10 से कम कोरोना के संदिग्ध मरीज मिले हैं जी, और कोई नया केस सामने नहीं आ रहा है जी। लेकिन जनपद बागपत की बात करें तो यहां पर पहले से 14 के कोरोना मरीज मिल चुके हैं, इस वजह से पूरा जनपद लॉकडाउन किया गया है और जिलाधिकारी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि 20 अप्रैल से किसी भी तरह की राहत जनपद में नहीं दी जा रही है। जिस तरह का लॉकडाउन में नियम का पालन प्रशासन द्वारा कराया जा रहा था, उसी तरह के हालात आगे भी जस के तस बने रहेंगे जी। अमित, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने कुछ जनपदों को छूट दिए जाने की बात कही थी, बागपत काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला, क्योंकि कई बार रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्टिव ज़्यादातर निगेटिव आ रही हैं, क्या इसको देखते हुए भी कोई प्रशासन ढिलाई बरतेगा या ज्यों की तो स्थिति बनी रहेगी? ये है कि अभी जो नई कल आंकड़े आए थे नए, उसमें सभी के सभी जितनी रिपोर्ट गई थी वो सभी नेगेटिव आई है। इसके बावजूद भी बहुत सारे स्थान जनपद में ऐसे हैं जहां पर अभी पूरी तरह से लॉकडाउन वाली स्थिति बनी है, सील किया गया है उन इलाकों को, और अभी भी लोग अपने घर मोहल्लों से निकलकर सामूहिक रूप से इकट्ठा होते हैं, जिन पर प्रशासन को सख्ताई भी बरतनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में देखते हुए नियम और कानून थोड़े से और सख्त किए जा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन न कर सके। शुक्रिया अमित, हमें इस तमाम खबर जानकारी के लिए। आप खबरों पर लगातार नजरें बनाए रखिए।